कोरोना वायरस के खिलाफ पीएम मोदी के आह्वान पर पूरे देश ने 5 अप्रैल रात को 9:09 के लिए दीपक, मोमबत्ती और टॉर्च जलाकर एकजुटता का संदेश दिया। इसी बीच उत्तर प्रदेश के बलरामपुर जिले की बीजेपी महिला मोर्चा के जिला अध्यक्ष मंजू तिवारी ने कोरोना भगाने के लिए हवाई फायरिंग की। उनका कहना है कि उन्होंने प्रोत्साहित होकर फायरिंग कर दी थी। इसकी वीडियो उन्होंने अपने फेसबुक पर पोस्ट किया था, जिसे तमाम लोगों ने शेयर भी किया और यह वीडियो वायरल हो गया। हालांकि इस पर फजीहत होने के बाद उन्होंने अब अपनी इस हरकत पर माफ़ी मांगी है। बीजेपी महिला मोर्चा के जिला अध्यक्ष मंजू तिवारी ने अपनी सफाई में लोगों से माफ़ी मांगी है। उन्होंने कहा, कल जब मैं घर के बाहर निकली तो उन्हें बिल्कुल दिवाली जैसा माहौल लगा। इससे उत्साहित होकर उन्होंने फायरिंग कर दी। मैं इसलिए बहुत शर्मिंदा और लज्जित हूँ और जब तक जिंदा रहूँगी कभी ऐसी गलती दोबारा नहीं करूँगी। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दें। सभी जनमानस से हाथ जोड़कर माफ़ी चाहती हूँ, क्योंकि कल प्रधानमंत्री जी के एक आह्वान पर हम सब लोग कोरोना को भगाने के लिए लगातार प्रयास कर रहे थे। पूरे घर को मोमबत्ती और दिया से जलाया और जब मैं बाहर निकली तो देखा कि पूरा शहर दिया और मोमबत्ती से नहाया हुआ है। तो एक दीपावली जैसा अनुमान मन में आया, उत्साह आया, और उस उत्साह में मुझसे वो गलती हो गई जो मुझे नहीं करना चाहिए, और मैं इस गलती को अपनी मानती हूँ। मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है, इसके लिए मैं बहुत ही लज्जित हूँ, शर्मिंदा हूँ, और इससे आगे मैं क्या कह सकती हूँ। मैं वादा करती हूँ कि मैं लाइफ टाइम में जब तक भी जिंदा रहूँगी कभी मैं ऐसी गलती दोबारा नहीं होने दूँगी अपने हाथों से। पुलिस अधिकारी ने कहा कि सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें मंजू तिवारी द्वारा फायरिंग की जा रही है। इस मामले में थाना कोतवाली में संबंधित धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है और विवेचनात्मक कार्रवाई की जा रही है। वहीं उत्तर प्रदेश कांग्रेस ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि कानून तोड़ने में सबसे ज़्यादा आगे भाजपा नेता ही रहते हैं। कल पीएम की अपील थी दिया जलाने की, लेकिन महिला मोर्चा की अध्यक्ष मंजू तिवारी ने फायरिंग करके कानून अपने हाथ में ले लिया। हालांकि उनके ऊपर पुलिस ने कार्रवाई कर दी है। हालांकि मंजू तिवारी ने माफ़ी मांग ली है और उनके ऊपर कार्रवाई भी कर दी गई है। इंडिया न्यूज़ वायरल की रिपोर्ट।